दोस्तों हर तरफ बात हो रही है एमसीक्यूज एमसीक्यूज और एमसीक्यूज इस बार के पैटर्न में है एमसीक्यू क्या यह हमारे लिए बेनिफिशियल है या हमें नुकसान देके जाने वाला है चलिए बात करते हैं अपन इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एमसीक्यू की समस्या का समाधान लेकर बाबा जी आए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ मिलने वाला है इसीलिए वीडियो को एंड तक सुनो क्योंकि वहीं पता चलेगा कि तुम्हें मिलने वाला क्या है अब देखो यार जो चीज हो चुकी है उसको मैं बदल नहीं सकता अगर मैं बदल नहीं सकता तो हमें सोल्यूशन पर बातें करनी चाहिए अब मुझे यह देखना है कि मुझे एमसीक्यू से बेनिफिट क्या होने वाले हैं तो एमसीक्यू से हमें होने वाले हैं तीन बेनिफिट तीन फायदे सबसे पहली चीज जब भी एक मार्क या दो मार्क के क्वेश्चन होते हैं कई बार हम लोग यह डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें लिखना क्या है और एमसीक्यूज में हमारे पास सिंपल है आप सॉल्व करने का तरीका आपका कुछ भी रखो आंसर में आपको ए बी सी डी ही लिखना है ना यूनिट की झंझट है ना आपको यह देखना है कि इसमें आपको लिखना कितना है क्योंकि सॉल्व आप अपनी टेक्निक से करो और काम हो जाएगा पहली बात दूसरी बात यह है कि हमारे सामने टाइम का एक बहुत बड़ा इश्यू आता है नहीं आता क्या टाइम मैनेजमेंट पेपर में हम पूरा पेपर नहीं कर पा रहे होते हैं पंद्रह मिनट का मुझे रीडिंग टाइम मिला होता है मैं उस टाइम पीरियड में कुछ चीज लिख नहीं सकता मगर अगर एमसीक्यूज हैं तो जब मैं पेपर को रीड करूंगा तो कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप रीड करते हो और आपके सॉल्व हो जाते हैं तो आप रीडिंग टाइम में उन एम को सॉल्व कर सकते हो तो आपका जो टाइम है वो टाइम आपका बच जाएगा तीसरी और इंपॉर्टेंट बात कई बार हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं और न्यूमेरिकल के प्रोसीजर में फॉर्मूला हम लोग भूल रहे होते हैं एमसीक्यूज में कई बार ऐसा होता है अपने साथ कि हम लोगों को पता चलता है कि भाई ये चार ऑप्शन है इसका इस रेंज में आंसर आना चाहिए था फॉर एग्जाम्पल अगर ऑप्टिक्स के केस में लेंस में मेरी ऑब्जेक्ट है फोकस और टू के बीच में तो मेरी जो इमेज है वो टू के बियॉन्ड बनेगी अब अगर फोकल लेंथ टेन है

प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर सॉल्व कर लिया है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आप कुछ दिक्कत बची ही नहीं है तो जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन से वो पीडीएफ डाउनलोड करो डाउनलोड करके जाकर उसका प्रिंट आउट लो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो एमसीक्यू की प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में मेंशन करो बाबा जी को और अगर बोलोगे तो बाबा जी उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन तुम्हें दे देंगे और ट्वेंटी डेज प्लेज आ रही है फिजिक्स की नौ तारीख से भूलना मत उसको और एक तारीख से तुमको मिलने वाली है मैथ्स की प्लेज तो टेंथ ट्वेल्थ सब तैयार हो जाओ सारे सब्जेक्ट इस बार आपको मिलने वाले हैं रैंक प्लस पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में तो बाबा जी की तरफ से इतना ही जय हो